आज पूरा एक साल हो गया है जब हमास ने इसराइल पर अटैक किया था और इसराइल के 1200 नागरिक मारे गए थे। अब 250 लोगों को हमास ने बंधक बना लिया था और उसके बाद इसराइल ने कसम खाई थी कि हमास का नामो निशान मिटा देंगे। और इसी पर चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ। सर, स्वागत है जनतंत्र टीवी पर आपका। यूके देवनाथ जी, एक साल पूरा हो चुका है जब हमास ने इसराइल पर हमला किया था, लेकिन इसराइल ने जो कसम खाई कि हमास का नामो निशान मिटा देंगे, हमास में एक मोर्चे पर इसराइल पूरे तरीके से इन्वॉल्वड है युद्ध में। अब हालांकि सीज फायर की डिमांड हमास की तरफ से लगातार की जा रही है, लेकिन दूसरे मोर्चे पर यह लड़ाई अब लेबनान तक जा फैली है। ईरान खुद इन्वॉल्वड हो चुका है। जी हां, इस लड़ाई को अब एक साल हो गए हैं और एक साल के अंदर हमास को गाजा पट्टी में इसराइल की आईडीएफ ने प्राय समाप्त कर दिया है। 90% हमास जो है गाजा में नष्ट हो गया है। और इसके साथ ही अब इसराइल के जो प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, जो कि पहले आर्मी में जनरल थे, उन्होंने अपना मोर्चा उत्तर की तरफ खोल दिया है। उत्तर में अब उनका अगला ठिकाना है हिजबुल्ला। हिजबुल्ला लेबनान से लगातार इसराइल के ऊपर रॉकेट फायर कर रहा था, इसलिए उन्होंने आईडीएफ को आदेश दिया कि आईडीएफ उत्तर में जो ब्लू लाइन है, लेबनान और इसराइल का जो बाउंड्री है, उसको क्रॉस करके वो 30 किलोमीटर उत्तर में लिटानी रिवर नाम का एक नदी है, वहां तक पहुंच जाए, ताकि जो हिजबुल्ला के जो मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, रॉकेट्स हैं, उनके लॉन्चर को और पीछे खदेड़ दिया जा सके। इसके साथ ही इसराइल की जो एयरफोर्स है वो लगातार बेरूत शहर के आसपास, खासतौर से दक्षिण बेरूत में जो हिजबुल्ला के ठिकाने हैं, वहां पर भयंकर अटैक कर रही है। बिल्कुल, नेतन्याहू का प्लान ये है कि अगले एक हफ्ते में हिजबुल्ला को लेबनान में 70% खत्म कर देंगे। जी बिल्कुल, अब लेबनान तक ये लड़ाई आ पहुंची है। ऐसे में यूके देवनाथ जी, ये समझा जाए, पहले हमास को खत्म करने की कसम इसराइल ने खाई, उसके बाद यहां पर नंबर लगा लेबनान का, क्योंकि लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकाने हैं। उसके बाद अब हिजबुल्ला के साथ साथ ईरान भी खुद को इंडल्ट कर बैठा है इसराइल के साथ इस युद्ध में, जो अब ताबड़तोड़ एक से दूसरे की तरफ फायर लगातार किए जा रहे हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं। यहां पर क्या मजबूरी बन चुकी है बेंजामिन नेतन्याहू की महत्वाकांक्षाएं, जो कि पूरी दुनिया पर भारी पड़ेंगे आने वाले समय में? ईरान ने पिछले हफ्ते जब इसराइल के ऊपर रॉकेट्स, मिसाइल्स से हमला किया था, तो ईरान ने ऐसा कहा कि हमने बदला ले लिया है। तो उसका मतलब हम तो यही निकाल सकते हैं कि इसका मतलब है कि ईरान और हमला इसराइल के ऊपर नहीं करेगा। जब तक इसराइल भी एक और जवाबी हमला ईरान के ऊपर नहीं करता है, तो दुनिया भर से नेतन्याहू के ऊपर बहुत प्रेशर है, अमेरिका से प्रेशर है, यूरोपियन देशों से नेतन्याहू के ऊपर प्रेशर है कि वो ईरान के ऊपर कोई हमला ना करे, जवाबी बदला लेने के लिए कोई हमला ना करे, लेकिन नेतन्याहू ने शायद ऐसा मानने से इनकार कर दिया है। तो अभी अमेरिका नेतन्याहू से सिर्फ इतनी दरख्वास्त कर रहा है कि अगर इसराइल ईरान के ऊपर कोई हमला करता है तो कम से कम ईरान के जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनके ऊपर हमला ना करे, बाकी टारगेटों पर हमला करे। आज 7 तारीख है, 7 अक्टूबर, एक साल हो गए। दुनिया के काफी लोगों ने ये कयास लगाया था कि आज शायद ईरान इस युद्ध के एक बरसी में बदला लेने के लिए हमला करेगा, लेकिन मेरे ख्याल से ईरान जो है वो बहुत ही हाई अलर्ट पे था। आज उनकी मिसाइलें एकदम हाई अलर्ट पे थी, इसलिए आज इसराइल ने हमला नहीं किया। गेंद तो यहां पर इसराइल के पाले में नजर आ रही है यूके देवनाथ जी, क्योंकि अभी फिलहाल ईरान या फिर लेबनान की अगर बात कर ले तो सभी की निगाहें तो इसी बात पर है ना कि इसराइल रिटेलिएट करता है या नहीं करता है। जी हाँ, नेतन्याहू के लिए पॉलिटिकल सर्वाइवल की बात है। अगर वो अब ये रिटेलिएट नहीं करते हैं तो अगले साल जो नेसेट का इलेक्शन, उनकी जो असेंबली होने वाली है, नेशनल असेंबली, नेसेट का इलेक्शन है, उसमें वो हार जाएंगे। अभी भी उनकी जो लिक्विड पार्टी है उसने माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनाई है और छोटे छोटे कुछ दलों के साथ पावर में है, तो अगर वो रिटेलिएट नहीं करते हैं तो विरोधियों को एक मौका मिल जाएगा ये बोलने के लिए इलेक्शन के टाइम में कि नेतन्याहू कमजोर हैं, उन्होंने ईरान से बदला नहीं लिया। तो नेतन्याहू को अपने पॉलिटिकल अस्तित्व के लिए हमला तो करना पड़ेगा सिर्फ, लेकिन ये पॉलिटिकल अस्तित्व के लिए यूके देवनाथ जी, क्या आपको लगता है
कि यहां पर सिविलियंस की जान को दांव पर लगाना ठीक है, क्योंकि यह लड़ाई ऐसे तो चलती ही रहेगी? पूरे विश्व में जितने नेता हैं, खासतौर से पश्चिमी देश के जो नेता हैं, यूरोपियन देश के नेता हैं, वो बार बार नेतन्याहू को बोल रहे हैं कि इस युद्ध का समाधान आप बातचीत करके पीस टेबल पर बैठ के निकलिए, ताकि सिविलियंस की कैजुअलिटी कम हो जाए। बिल्कुल, सिविलियंस की कैजुअलिटी जो है वो गजा में हुई, अभी सिविलियंस की कैजुअलिटी जो है लेबनान में हो रही है, और इसराइल की अपनी भी सिविलियन कैजुअलिटी हो रही है, उसके भी सिविलियंस हताहत हो रहे हैं, सोल्जर्स मारे जा रहे हैं। लेकिन जो नेतन्याहू का जो साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग है, उसमें शायद ऐसा आकलन कर सकते हैं कि वो हमेशा 1 किलो के घूंसे का जवाब 10 किलो के घूंसे से देना यकीन करते हैं। बिल्कुल, ऐसे में जैसा कि जानकारी फिलहाल मुझे भी मिल पा रही है, पिछले 24 घंटे में यहां पर हिजबुल्ला की तरफ से इसराइल के हाइफ शहर पर हमला किया गया है। यूके देवनाजी, इससे क्या समझते हैं आप? हिजबुल्ला जो है वो पूरे तरीके से अब इसराइल के साथ तो एक वॉर में नजर आता है, लेकिन बिहाइंड द वॉल ईरान पूरे तरीके से साथ है हिजबुल्ला के। अब क्या ईरान का ये बड़प्पन देखने को आने वाले समय में क्या मिल सकता है कि हिजबुल्ला को खुद समझाया जाए कि आप पीछे हट जाइए इस युद्ध से? ईरान जो है वो इस युद्ध में लगातार हिजबुल्ला को सहायता देता रहा है, और आगे भी सहायता देता रहेगा, क्योंकि हिजबुल्ला शिया ऑर्गेनाइजेशन है, दक्षिण लेबनान में है, जहां ज्यादातर जो लोग हैं वो शिया हैं, और ईरान भी शिया देश है। ईरान चाहता है कि दुनिया के सारे मुसलमान देश, खासतौर से शिया देश, ईरान को अपना लीडर मान के आगे बढ़े। तो हिजबुल्ला चालाकी से क्या करता रहा है, जो कि हमने 1982 के बेका वैली युद्ध में देखा और 2006 में भी देखा, जब IDF जो है आगे बढ़ते बढ़ते बेरूत तक पहुंच गई थी। हिजबुल्ला हमेशा क्या करता है कि जब IDF आगे बढ़ती है तो हिजबुल्ला उनके सामने खड़े होके आमने सामने की लड़ाई अवॉइड करता है, दाएं बाएं हो जाता है। 2006 में तो वो बेरूत के उत्तर में, उत्तर में जो सीरियन बॉर्डर है, तुर्की बॉर्डर है, वहां तक चले गए थे, तो उन्होंने अपने आतंकवादियों को भी बचा लिया, अपने रॉकेट्स एंड मिसाइल्स को भी बचा लिया। ऐसा ही कुछ वहां इस बार भी करने वाले हैं। बिल्कुल, यहाँ पर अमेरिका की भूमिका, व्हेन अमेरिका कम्स इन टू प्ले, तो ये जो मामला है वे बेहद ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है। ऐसे में यूके देवनाथ जी, अमेरिका एक तरफ कहता है कि पीस बैठक होनी चाहिए, दूसरी तरफ हथियारों की सप्लाई पूरे तरीके से अमेरिका इसराइल को कर रहा है, एक दोहरा रवैया कि आप चाहते हैं कि शांति की टेबल पर बैठ कर बातचीत हो, उसके अलावा आप हथियार भी पूरे तरीके से इसराइल को दे रहे हैं। अमेरिका का ये दोहरा रवैया हमेशा से ही, जब से इसराइल आजाद हुआ 1948 में, तब से ही देखने में आ रहा है। अमेरिका हमेशा आंख बंद करके इसराइल को मदद देता है। इसके कई कारण हैं। एक तो अमेरिका इसराइल को पश्चिम एशिया में राज करने का, अपना जो प्रभुत्व है उसको बढ़ाने का एक औजार मानता है। दूसरी बात है कि अमेरिका में ईरान की तरफ से तो एक कहा जाता है कि एक प्रोक्सी की तरह बना दिया है अमेरिका ने इसराइल को इस एरिया में। जी हाँ, इसराइल का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका ने पूरे पश्चिम एशिया में जहां जहां कच्चा तेल निकलता है, सारे अरब मुल्कों के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस बनाया हुआ है। हम फौजी भाषा में तो ऐसे कहते हैं कि जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर होता है, तो अमेरिका के लिए इसराइल एक अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर है, मतलब कभी डुबाया नहीं जा सकता, और जितने मर्जी वहां से एयरक्राफ्ट लॉन्च कर लो अरब दुश्मनों के ऊपर। तो अमेरिका जो है पूरे पश्चिम एशिया में, वो मिडिल ईस्ट बोलते हैं, उस पे अपना दबदबा बनाए रखने के लिए हमेशा इसराइल का इस्तेमाल करता रहा है, कर रहा है, भविष्य में भी करेगा। बिल्कुल, अब ऐसे में भारत को लेकर अगर बात करें तो हमारे लिए ये अब चर्चा करना बेहद लाजमी सी बात हो जाता है यूके देवनाथ जी, कि भारत किस तरफ है या फिर किस तरफ नहीं है, क्योंकि जो आम सिटीजन्स हैं वो लगातार ये बात आपस में करते हैं कि अगर भारत को चुनने की एक ऐसी परिस्थिति आई तो भारत किसकी तरफ जाएगा। तो ऐसे में क्या हम इस तरीके की परिस्थिति में इस समय मौजूद हैं कि हम इन दोनों में से क्या किसी एक को चुन सकते हैं, और किसी एक को चुनेंगे तो क्यों, और किसी को नहीं चुनेंगे तो क्यों नहीं? फिलहाल भारत की जो दोस्ती है वो इसराइल के साथ अच्छी है, बहुत मजबूत है। अमेरिका के साथ तो हमारी दोस्ती बहुत ही प्रगाढ़ है। सवाल है कि क्या भारत ईरान के साथ जो दोस्ती है उसको मेंटेन करेगा?
फिलहाल सारे जो इंडिकेशन निकल रहे हैं, विदेश मंत्रालय से श्री अश्विनी शंकर जी ने बयान भी दिया है 15 दिन पहले कि ईरान भारत का अभिन्न मित्र है और आने वाले समय में भारत और ईरान मिलकर आगे बढ़ेंगे। देखिए, हमारा बहुत बड़ा इंटरेस्ट है ईरान के चाबहार पोर्ट में। हम ईरान के चाबहार पोर्ट को 99 ईयर्स के लीज पे लेने की कोशिश कर रहे हैं, ले लिया है। उससे हमें दो फायदे हैं, एक तो हम पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर नजर रख पाएंगे युद्ध की स्थिति में, और दूसरी बात है हमारी सरकार का लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव यह है कि ईरान के चाबहार पोर्ट से उत्तर में ईरान से होते हुए, अजरबैजान से होते हुए, जॉर्जिया होते हुए में रूस तक एक हाईवे बनाना चाहते हैं। बिल्कुल। तो हम ईरान से हमेशा दोस्ती बनाए रखेंगे। ऐसे भी जिस दिन ये युद्ध बंद होगा, अमेरिका का प्रतिबंध थोड़ा ढीला होगा, हम ईरान से कच्चा तेल आयात शुरू करेंगे और ईरान हमेशा सस्ते तेल में वर्ल्ड मार्केट के तुलना में $2 कम रेट पे ही भारत को कच्चा तेल देता था। जी बिल्कुल। ऐसे में यूके देवनाथ जी, आपकी तरफ से जिक्र किया गया कि यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू की जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो पॉलिटिकली इतनी ज्यादा स्ट्रोंग है कि अब सिविलियंस को ध्यान में रखना उनके लिए एक साइडलाइन कर देने वाली बात है, एज कंपेयर टू अगर बात करें अगले इलेक्शन में खुद की जीत हो। अब ऐसे में अगले इलेक्शन में जीत के लिए अब यहाँ पर सिविलियंस को दांव पे लगा देना कहां तक वाजिब लगता है, क्योंकि जब वॉर की कंडीशन, चाहे उसमें कोई भी देश शामिल हो, यूके देवनाथ जी, अगर वॉर की कंडीशन किसी भी देश में होगी, वहां पर सरकार चाहे किसी के दम पर चल रही हो, अपने सिविलियंस को महफूज रखना, उन्हें सेफ रखना प्राथमिकता के साथ हर एक नेता की कसौटी पर होता है कि हमारे सिविलियंस सेफ रहें। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू तो बिल्कुल उलट नजर आ रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए अब हिजबुल्ला के साथ जंग रुकनी नहीं चाहिए, चाहे उसमें ईरान इन्वॉल्व हो जाए, चाहे कोई कंट्री इन्वॉल्व हो जाए। इसराइल में एक अजीब सी मनोस्थिति होती है। पिछले 70 साल में वहां पर उनके मन में हमेशा ऐसा रहा है कि अगर कोई अरब देश है, फिलिस्तीन पहले पीएलओ होता था, फिर अलपता हुआ, अभी हमास है, अगर वो कोई बंधक ले जाता है तो वो इसराइल में ऐसा मान लेते हैं कि वो बंधक जो है हमेशा हमेशा के लिए गया और हम घुटने नहीं टेकेंगे। ऐसा हमने 1972 में जब म्यूनिक ओलंपिक के दौरान उनके प्लेयर्स को मार दिया गया था, हाईजैक कर लिया था, तब से कई बार देख चुके हैं कि इसराइल में एक प्रवृत्ति है सोशल, उनके यहाँ मान लिया जाता है कि ठीक है 10-20-30-40-100 इसराइलियों की जान चली जाए लेकिन इसराइल घुटने नहीं टेकेगा। इस तरह की एक भावना उनके मन में हमेशा से, दशकों से रही है। बेंजामिन नेतन्याहू उसी भावना का फायदा उठा रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया यूके देवनाथ जी, जुड़े आप, महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल आप हुए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।